चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण। जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक दिवसीय साधना लेकर आया हूँ, और जो साधना मैं देने जा रहा हूँ ये साधना एक ही दिन में सिद्ध होने वाली साधना है, और ये साधना है आग बीज साधना। यानी आग का पेड़ जो होता है, जो सफेद रंग का होता है, मैं आग के पेड़ की यानी पौधे की आपको फोटो भी डालूंगा स्क्रीन पर। तो ये आग बीज साधना है और बड़ी ही उग्र साधना, वो एक दिन में सिद्ध हो जाती है कुछ ही जाप करने से। 21 से 51 वाला जाप करने के करते मतलब 21 से 51 वाला जाप के अंदर ही आंखविद प्रकट होते हैं और साधक को वचन देते हैं। लेकिन ये एक से दो घंटे लगते हैं इस साधना में, तो 1 से 2 घंटे में ही साधक को ऐसा लगता है जैसे बस किसी सूरत से साधना पूरी हो जाए, क्योंकि इसमें अनुभव बड़े डरावने होते हैं। और ये आंख जो मैं आपको जो मंत्र दूंगा ये सावर मंत्र है। तो इस साधना में साधक को बंद आंखों से बड़े उग्र दृश्य दिखाई देने लगते हैं, आगवीर डराते हैं साधक को और भयभीत करते हैं। ये साधना जो करी जाती है, ये साधना कीर्ति का नक्षत्र से शुरू करी जाती है। यानी कीर्ति का जब नक्षत्र हो तो ध्यान से देख ले किसी ज्योतिषी से या ब्राह्मण से पता कर ले पत्रिका के में कि कीर्ति का नक्षत्र कब आ रहा है, और उसी दिन साधना की जाती है, चाहे वो साल में 2 बार आए या 4 बार आए, मुझे जानकारी नहीं है। तो कीर्ति का नक्षत्र में करना क्या है कि आग के पौधे को पहले क्या करना होता है, आग का जो अकौवा होता है, हमारे यहां तो अकौवा बोलते हैं उसे, सफेद दूध निकलता है उसमें से, तो आग का जो पौधा होता है उस पहले उसकी तलाश कर ले, उसके बाद में तलाश करने के बाद साफ सफाई कर दिया है वहां, और साफ सफाई करने के बाद गंगा जल वगैरह छिड़क लें और फिर संध्या में जाएं, या फिर जब कीर्ति का नक्षत्र लग रहा हो जब जाएं। वो दिन में भी लग सकता है, रात में भी लग सकता है, पता नहीं मुझे कब लगता है। तो वैसे नक्षत्र जब लग जाए कीर्ति का नक्षत्र, तब मैंने नहीं की ये साधना, कभी सोचे कि गुरु जी आपने की है क्या, मैंने नहीं की ये साधना। तो जाए जाके एक शुद्ध गाय के घी से दीपक प्रज्वलित कर लें, और इस साधना में वस्त्र सफेद रहेंगे, आसन कुशाका ले लें, माला रुद्राक्ष की लें, और एक बेरी नहीं होती है, बेर जो होते हैं बेरी का कांटा ले लें अपने पास, और इसमें दिशा आपकी जो रहेगी वो उत्तर रहेगी। वस्त्र आपके सफेद हो, भोग में जो लगानी है आपको सफेद मिठाई का भोग लगाना है, और एक ही दिन की साधना है। कोई भी साधक एक दिन की नहीं, 2 से 4 घंटे की साधना, और सब संपन्न होती होती है। तो साधक को करना क्या है, इस साधना में आसन कीलन, गुरु मंत्र सब अनिवार्य, जैसे सभी साधनाओं में होता है, पूर्ण रूप से साधना करे। पहले गुरु मंत्र, बटुक भैरवाय मंत्र और गणेश जी का मंत्र जाप करना होता है, आसन कील ले अपना जैसे उस साधक से आता हो। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक माला जाप कर लिया, तो हमें जो बेरी का कांटा हमने अपने पास रखा है, उससे बेरी के जो आग का पेड़ है उसे खरोचना होता है, यानी उसमें चुबा के खींचना होता है ताकि उसमें से दूध निकल जाए हर माला पर। वैसे तो 21 माला से पहले आग वीर साधक को दर्शन दे देते हैं, बंद आंखों से दिखाई देते हैं,
वचन देते हैं, और जो कार्य साधक बोलेगा वो करेगा, चाहे करेंगे भी। बहुत ही उग्र वीर है, ए टू जेड कार्य कर सकते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हैं, किसी के पेट में घुसना चाहे तो पेट में भी घुस जाते हैं, दर्द करना चाहे दर्द कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस साधना में अनुभव बड़े डिफिकल्ट है, मेरे दादाजी ने करी हुई थी साधना, यानी मेरे गुरुजी ने कर रखी थी। तो साधना करे और देखें क्या होता है, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, कोई किसी तामझाम की जरूरत नहीं है इसमें, इस साधना में आहुति की भी जरूरत नहीं होती है। आग वीर प्रकट हो जाएंगे 21 से 51 माला में, और साधक को वचन देते हैं, लेकिन बंद आंखों से साधना होती है। तो मंत्र सुन ले, मंत्र क्या है, सावर मंत्र है, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, वीर कांबली वीर घात करे चेते हनुमान, वीर नहीं तो शिव की दुहाई। मंत्र एक बार सुने, ओम नमो आदेश गुरु का, वीर कामली वीर घात करे तो चेते हनुमान, वीर नहीं तो शिव की दुहाई। कोई भी साधक बड़े ही आराम से मंत्र को कंठस्थ कर ले, और कंठस्थ करने के बाद में साधना करे, देखिए कीर्ति का नक्षत्र कब आता है, पंचांग वगैरह में मिल जाएगा, हर जगह यूट्यूब पे कोई इस पंचांग सर्च मार लीजिए, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मिल जाता है। तो मुझे जानकारी नहीं है और ना ही मैंने ये साधना की है, जो साधक करना चाहता है कर ले। तो बड़े ही आराम से साधना एक दिन में यानी 2 घंटे में सिद्धि मिल सकती है साधक को, लेकिन इसके लिए कलेजा होना चाहिए, दिल गुर्दे मजबूत होने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट में तो पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो जब तक के लिए जय श्री महाकाल।